अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ यम्मी किस्म की चिकन नूडल्स की रेसिपी लेके आई। सबसे पहले नूडल्स को हम बॉईल करेंगे, फुल पैकेट आज हम रेडी करेंगे। सबसे पहले पानी बॉईल करेंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना। उसके बाद आपने नूडल्स को अच्छे से बॉईल कर लेना है। और दूसरे पैन में आपने क्या करना है, 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है, 3 से 4 अदद लहसुन के जब्बे लेने हैं चॉप कर लेने हैं, 1 अदद हरी मिर्च है वो भी ऐड कर देंगे, उसको फाइन चॉप करके आपने ऐड करना है। जैसे ही लहसुन और हरी मिर्च थोड़े सोते हो जाए, थोड़ा सा खुशबू आना शुरू हो जाए, उसमें आपने चिकन ऐड करना है। चिकन तकरीबन 300 ग्राम लेनी है। उसके बाद चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब आपने साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने सफ़ेद मिर्च ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने चिकन पाउडर ऐड करना है, 2 टेबल स्पून आपने शुगर ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून आपने मिक्स हर्ब ऐड करना है, 2 टेबल स्पून आपने सोया सॉस ऐड करनी है, 2 टेबल स्पून आपने चिली सॉस ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून आपने इसमें विनेगर ऐड करना है। 1/2 कप आपने पानी डाल के इसको कवर कर देना है ताकि चिकन जो हमारी अच्छे से डन हो जाए, अच्छे से पक जाए। उसके साथ ही आप जैसे ही चिकन थोड़ा सा हाफ डन हो जाए, उसमें आपने जूलियन कट में कटी हुई गाजरें ऐड कर देनी है। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लार्ज साइज़ की गाजर ली थी, लार्ज साइज़ की 2 अदद शिमला मिर्च थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी स्टेज पर आपने ऐड करने, चूँकि गाजर हार्ड होती है, सख्त रह जाती है, इसको पहले ऐड करते हैं। उसके बाद जैसे ये फुली डन हो जाए, उसके बाद आपने इसमें 1/2 कप टमाटो केचप ऐड करनी है और 1/2 कप ही आपने चिली गार्लिक सॉस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद आखिर में हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी बॉयल करके रखी हुई थी। ये देखिए मैंने छन्नी में डाल दी थी ताकि अच्छे से इसका पानी भी ड्रेन हो जाए। और इस तरह नूडल्स के ऊपर ड्रेन करने के बाद ठंडा पानी ऐड कर देते हैं, जिसके बाद हमारी जो नूडल्स है बिल्कुल सेपरेट रहती हैं, आपस में जुड़ती नहीं है। बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे आपने मिक्स कर देना। देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी किस्म की चिकन नूडल्स हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। गर्मा गर्म आप सर्व करें, देखिए ज़बरदस्त लुक आया है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें।